हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बेटर आइडिया में। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ में आप अपने राशन कार्ड में नाम कैसे जोड़ सकते हैं, चाहे फिर नवविवाहित दुल्हन हो या बच्चे का नाम आप किस तरह से जोड़ सकते हैं और आपको क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसके लिए आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताएंगे, जिसके लिए आप बने रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक। और दोस्तों, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको अपने राशन कार्ड में नए व्यक्ति का नाम जोड़ने के लिए सबसे पहले आवेदन फॉर्म की आवश्यकता होगी, जिसके लिए आपको सबसे पहले छत्तीसगढ़ राशन कार्ड में नाम जोड़ने हेतु एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको इस लिंक पे जाना है। इसके बाद दोस्तों, आपके सामने इस तरह से एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको राशन कार्ड में नाम जोड़ने हेतु एप्लीकेशन फॉर्म का यहाँ पे आपको लिंक दिखाई देगा, तो आपको इस लिंक पे जाना है। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे आवेदन फॉर्म की पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी, तो यहाँ से आप आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं या यहाँ से आप डायरेक्ट प्रिंट आउट है वो निकाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, इस आवेदन फॉर्म में आपसे मांगी गई सभी डिटेल सही से भर देनी है, जैसे आपके जिले का नाम, विकास खंड का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, वार्ड का नाम, आप जिस दुकान से राशन लेते हैं उस दुकान का नाम, आवेदक का नाम, पिता या पति का नाम, राशन कार्ड में मुखिया कौन है और आप किस सदस्य का नाम जोड़ना चाहते हैं, सदस्य का नाम, राशन कार्ड का प्रकार, आपके राशन कार्ड का नंबर और नए सदस्य का राशन कार्ड में मुखिया से क्या संबंध है, इसकी डिटेल आपको भर देनी है। यहाँ पे आपको सदस्य का अलग से विवरण दर्ज कर देना है, सदस्य का नाम, उसका जेंडर क्या है, मुखिया से संबंध क्या है, आयु और उसकी जो वर्तमान फोटो है नई वो आपको यहाँ पे लगा देनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो अन्य जानकारी है वो सही से भर देनी है और जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए उसमें आपको सदस्य का आधार कार्ड, सदस्य का ईपीकी कार्ड, क्रमांक संख्या, यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र, मुखिया या सदस्य का बैंक खाता और बैंक खाते का आईएफएससी कोड आपको यहाँ पे भर देना है और जो डॉक्यूमेंट है उनकी फोटोकॉपी आपको फॉर्म के साथ अटैच कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने नजदीकी खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग का यहाँ पे आपको पता दर्ज कर देना है, यहाँ पे आपको दिनांक और यहाँ पे आपको मुखिया का हस्ताक्षर कर देना है। फॉर्म को पूरी तरह से कंप्लीट भरने के बाद दोस्तों, आपको अपने जिले के नजदीकी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के कार्यालय में जाना है और वहाँ पे आपको आवेदन फॉर्म जमा करा देना है। तो दोस्तों, आवेदन फॉर्म आपके द्वारा जमा करने के बाद 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपके राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ दिया जाता है और इसकी जानकारी के लिए आप छत्तीसगढ़ राशन कार्ड सूची में भी अपना नाम चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके राशन कार्ड में कितने लोगों का नाम जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, आप इस तरह से छत्तीसगढ़ में नई यूनिट का नाम आसानी से राशन कार्ड में जोड़ सकते हैं और आप राशन कार्ड में सदस्य का नाम जुड़ा हुआ है नहीं जुड़ा हुआ है तो पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको राशन कार्ड में नाम जोड़ने से जुड़ी कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और दोस्तों, ऐसी सरकारी योजनाओं से जुड़े वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।